राम राम। तो हम अब जो तुम लोगों की पढ़ाई है, किसी भी एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आ रहे हैं, और यकीन मानो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, थोड़े से लोग खिलाफ़ में होंगे, थोड़े से क्या, हमें लग रहा है 70 से 80% लोग अगेंस्ट होंगे, लेकिन तब भी 15 से 20% मेरे साथ होंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, लव रिलेशनशिप के बारे में। और ये किताब, ये भैया, ये मेरे थॉट्स नहीं है, इसमें सिर्फ मेरी कुछ एक्सपीरियंस है तुम्हारे बारे में। ये जो चीज़ें हम लिख रहे हैं किसी किताब के रेफरेंस हैं, वो किताब जिसने लिखी है वो टॉपर है। अब यहाँ पे समझना मेरी बात, लव रिलेशनशिप और उसके साथ साथ सरकारी नौकरी, डायरेक्टली हम सरकारी नौकरी को प्रेफर कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात इस चीज़ की नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें किसी और तरीके की चीज़ हम बता रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात हम ये बता दें, ये दोनों चीज़ें, अगर कोई तुमसे बोल रहा है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हर जगह ये एक सिनेरियो बना दिया गया है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताते हैं ये जो चीज़ें आई हैं वो आई कहाँ से, समझना मेरी छोटी सी बात, ठीक है। देखो, मान लेते हैं तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, हमें नहीं मतलब है क्या है, अगर चीज़ें इस तरीके की हैं कि सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं है जो कि है सेक्स, सिर्फ अगर इस चीज़ पे डिपेंड नहीं है चीज़ें, तो यकीन मानो तुम्हारे लिए ये प्यार एसेट साबित हो सकता है। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, इसमें भी होंगे, फिर पढ़ाई के बीच में भी हो सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस है, हो सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत तुम्हारा दिमाग भी ख़राब होगा, लेकिन यकीन मानो यही तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी बन सकता है। कैसे, कुछ चीज़ें मैनेज करके। अब हम ये नहीं करना कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती कर लो जाके किसी से, अगर हो गया है तो। अब ये बिल्कुल भी मत करना कि तुम ढूंढने लगो जाके, ये करोगे तो तुम अपना चूतिया कटाओगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ढूंढना नहीं है कोई, अगर तुम्हारे साथ कोई है तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी के बाद अपनी IAS क्लियर किया, और उनका इंटरव्यू में यही था कि मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया। हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप को गंदा बोल के दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि आज एक टैबू बन चुका है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया, ऐसा नहीं है। किसी के पीछे पगला गए हो तो बात अलग है कि किसी को तुम फोन मिलाए चलाए, वो अपना सारा टाइम इधर साइड में रख के फोन कर रहा है, उनसे बात कर लो, 2 मिनट के लिए बात कर लो, ठीक है, लड़ाई है कुछ दिन के लिए, तुमने थोड़ी कोशिश करी वो करने की, ठीक है, लेकिन अब तुम 24 घंटे भाग रहे हो किसी के पीछे, भाग रहे हो अपनी सारी चीज़ें छोड़ के, ये चुतिया पे करने की जरूरत कतई नहीं है, बिल्कुल भी ये चुतिया पे नहीं करना है। कुछ दिन तक ट्राई करो, नहीं होता है भाड़ में जाओ, सीधी बात है। इज्जत सबको देनी है, लेकिन अब किसी के पीछे नहीं भागना है, बस इतना ध्यान रखो। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि ये इस चीज़ के पढ़ाई के अगेंस्ट है, तुम्हारे करियर के अगेंस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यकीन मानो सरकारी नौकरी जैसी तैयारी यहाँ से एग्जॉस्ट कर देती है तुम्हें पूरी तरीके, क्योंकि पहली बात तो 1-2 महीने में मिलती नहीं है, 6 महीने में भी नहीं मिलती है, डेली डेली तुम्हारे ऊपर यहाँ पे प्रेशर बनता है। अगर तुम्हारे दिमाग में लगातार वो प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा तो यार तुम फोकस कर ही नहीं पाओगे पढ़ाई में। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए तुम्हारे साथ कोई एक ऐसा चाहिए जो चीज़ें बैलेंस करके रखे। अब बैलेंस करने का मतलब ये भी नहीं कि तुम 24 घंटे टाइम दे रहे हो, या फिर तुम मतलब पूरा पूरा हफ्ता उन्हीं के साथ बिताए दे रहे हो, साथ में पढ़ रहे हो, वो चीज़ें हम नहीं कह रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं साथ में पढ़ रहे हो, उससे भी इशू नहीं है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1-1.5 से 2 घंटे तुम अगर टाइम बिताते हो तो तुम्हारी यहाँ की चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होती हैं, और तुम पढ़ाई पे डेडिकेटेड स्टडी जो भी होती है वो कर पाते हो। लेकिन यहाँ पे अगर इस चीज़ को तुमने इससे जोड़ दिया कि तुम सिर्फ सेक्स के लिए किसी अपोजिट जेंडर के साथ हो, वो चीज़ें कभी काम नहीं आएंगे। यकीन मानो करियर जाएगा, इमोशन जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा कि केवल तुम सेक्स के लिए करो। और यकीन मानो अगर यहाँ से चीज़ें सही हैं, या फिर हार्ट से दिल से वाला सीन है, तो फिर यार देखो, ये मेरे शब्द नहीं, किताबों के शब्द, इतना ध्यान रखना। तो मेरे ऊपर कोई उंगली मत उठाना, क्योंकि इस मामले में मेरा रिकॉर्ड बहुत गंदा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, ना तो नया रिश्ता जोड़ना है, ना जो जुड़ा हुआ है ना उसको हटाना है, बस ये देखना है कि तुम्हारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉदर तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो सामने वाले से डिस्कस करो, मेरी चीज़ डिस्टर्ब हो रही, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर दें ताकि हम अपने पे फोकस कर पाएँ, और जब चीज़ें हो जाएंगी फिर हम आ जाएंगे। किसी रिश्ते को तोड़ के तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक बार दिक्कत ये है ना कि एक बार नौकरी लग भी गई, मान लो तुमसे कहीं ब्रेकडाउन कुछ होने के बाद नौकरी लग भी गई, तो फिर तुम्हें वो चीज़ें नहीं तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे जो तुम अभी कर पाओगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई नया रिश्ता नहीं जोड़ना है, बस इतना कहना है कि जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करके नया को शुरू करके कोई मतलब नहीं है। आपको कल नौकरी मिल जाएगी, आप जॉब पे लग जाओगे, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें रिग्रेट फील कराएंगी। हाँ, ये मानते हैं कि अगर नौकरी ना लगी तो उससे बड़ा रिग्रेट होगा। डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, चीज़ें अपनी अपने आप में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी रिलेशनशिप को आप गंदा कर दो, ठीक है।
हम ये हमेशा से इसके सपोर्ट में रहें कि रिलेशनशिप अगर आपका है तो उसके साथ पढ़ाई हो सकती है। और यकीन मानो कई केसेस में ऐसा हुआ है कि जो रिलेशनशिप में रहे हैं वो बहुत कुछ बड़ा कर गए हैं सिंगल लोगों के अपेक्षा, लेकिन उनका रिलेशनशिप सेक्स बेस्ड नहीं था। अपोजिट जेंडर के पास सिर्फ वो इसलिए नहीं जाते थे कि सेक्स मिल जाए, वो इमोशनल टच के लिए जाते थे। क्योंकि हम बोल रहे हैं ना बार बार कि ये जो पढ़ाई है ना ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, हर महीने एग्ज़ाम, हर 3 महीने में एग्ज़ाम, उसका प्रेशर, 24 घंटे की पढ़ाई, उसके बाद फैमिली प्रेशर, इतने प्रेशर बिल्डअप होते हैं कि डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस ये सब साथ में चलते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम 2000 जा की मूवी दिखाओ जाके, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम 5-स्टार होटल में डिनर करो जाके, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं एक सपोर्ट सिस्टम, एक कप चाय, दैट्स इट, यहाँ से तुम फ्री हो जाओगे जिससे तुम पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। बहुत अच्छे से चीज़ें तुमने समझ ली हैं और इस चीज़ को अप्लाई करना। कोई इस कमेंट में, वीडियो के कमेंट में मेरे बारे में मत लिखना क्योंकि मेरा इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। छोटे छोटे वीडियो से अगर तुम्हें हेल्प मिलती हो तो ज़रूर एक फॉलो, लाइक जो करना हो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।